अच्छा ठीक है। शुरू कर दें। शार्प स्वीट स्मार्ट ठीक है। किसकी मौलाना या सादिक जो सफाइयां दे रहे हैं सफाइयां दे रहे हैं उससे भी आगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सबका यहां आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको याद हो तो मैंने 18 अगस्त को यहाँ पे हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान में इस वक्त एक हाइब्रिड वॉर चल रही है और उस हाइब्रिड वॉर के क्या असरात क्या हैं और वो किस तरह से उसको कनेक्ट किया जा सकता है आपके अपने मुल्क में जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, इकोनॉमिक हालात हैं, पॉलिटिकल हालात हैं, फॉरेन अफेयर्स है। तो उस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि उसकी तफसील में जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटी 1.5 मिनट की एक वीडियो क्लिप दिखा दूँ जिससे कि चीज़ें पर्सपेक्टिव में आ जाएंगी और आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में इस वक्त। प्लीज जी दिखाएं वो। जी जिस तरह आपने देखा कि इसमें बताया गया है कि जब भी किसी सिस्टम को चेंज किया जाता है तो उसमें ये सीक्वेंसिंग होती है यानी ये तसलसल होता है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो कहता है कि मुल्क में नाउम्मीदी फैलाई जाए, कोई अच्छी बात नहीं हो, मुल्क के अवाम को ये तासर दिया जाए कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, हर चीज़ उसमें नेगेटिव ख़बरों का सर फहरिस्त होना और मुख्तलिफ इशूज़ जिसपे के माशरे में एक नाउम्मीदी पैदा हो नफ्सियाती तौर पे और हकीकी तौर पे। उसके बाद जो दूसरा मरहला होता है ये भी किसी भी मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सीक्वेंसिंग है। दूसरा है अदम इस्तेकाम। अदम इस्तेकाम किस तरह से फैलाया जाता है, उसका पहला जुज़ है इकॉनमी, दूसरा जुज़ है फॉरेन रिलेशंस, तीसरा जुज़ है डिफेंस। अब जो पहला जुज़ है वो इकॉनमी है। हमने देखा है कि जब हमने हुकूमत संभाली तो उस वक्त मुल्क की इकॉनमी के क्या हालात थे, हम तकरीबन डिफॉल्ट की सिचुएशन में आए हुए थे। हम अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपना ज़ाती जो एक उनकी एक क्रेडिबिलिटी है जो उन पे लोगों का एतमाद है यहाँ पे और बैरून मुल्क में उन्होंने अपने दोस्त मवालिक के साथ इस डिफॉल्ट से बचाया मिलकर
डिफॉल्ट से बचाया, क्योंकि अगर ये डिफॉल्ट हो जाता खुदा ना खास्ता तो जो हमारी करेंसी थी उसकी जो वक़्त है वो बहुत ही कम हो जाती। जिस तरह के हमने बड़े अच्छे अच्छे मुल्कों में देखा है, जिसमें से एक ऐसा मुल्क जिसमें मैंने बहसियत है बैंकर काम भी किया है, वेनेजुएला है, जो आज भी है, जिसके ज़खायर सऊदी अरब, ईरान और कैनेडा से मिलाकर भी ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे लोग कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए रेडियो पे पैसे ले जाते हैं। अगर आपने एक छोटी सी ख़रीदारी भी करनी है रेडियो पे ले जाते हैं कैश। अब उस सूरत हाल में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसमें कि आपके जो ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर के करीब था। इसी तरह आप पे कर्ज़ों का एक अंबार था, किस्तें देनी थीं। इस सारे माहौल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आके और एक पहला कदम यही उठाया कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ किया, और उस स्टेबलाइजेशन में सबसे पहला बड़ा हदफ था करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना, जो कि बड़ी कामयाबी एक ख़ास डिसिप्लिन के साथ हम उसको न सिर्फ अब नेगेटिव उसमें उसको हमने ज़ीरो कर दिया, बल्कि हम मुस्बत उसमें चले गए। इकॉनमी के दीगर पहलू उस पर भी काम हो रहा है और हुआ, जिससे के बावजूद इसके कि कोविड जैसी एक मोहलक वबा की बावजूद हमने इस इकॉनमी को चलता रहने दिया, जिससे के लोगों की जानों को भी हिफाजत हो सकी और उनके रोज़गार की भी हिफाजत हो सकी। उसके बाद हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, और आजकल के दिनों में जबकि आलमी का साथ बाजारी है, हमने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया और वो खित्ते के तमाम ममालिक से बेहतर परफॉर्मेंस रही है हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर की। इस दिनों में पोस्ट कोविड की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी, जब गिरी तो आग लग गई थी, जब डॉलर 165 से 166 पे हुआ आग लगी हुई थी, लेकिन जब यही स्टॉक मार्केट ऊपर गई तो उसका किसी ने जिक्र ही नहीं किया, एक फर्जी सा जिक्र हो गया, लेकिन हमने अपनी पॉजिटिव स्टोरीज पे काम नहीं किया। हमने एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जिससे कि रोज़गार भी पैदा हो सके, जिसमें हमने हाउसिंग के शोबे को बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से, और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि एक गरीब शख्स ये सोच सके कि उसको घर की मलकियत मिल सकती है। एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि उसकी महाना किराए की किस्तों से बराबर उसको दिया, फ़र्क ये था कि उसको कुछ अरसे के बाद उसकी मलकियत भी मिल जाए। अब ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है कि कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, और दूसरी तरफ जब मैं ये बात कर रहा था कि डीस्टेबलाइजेशन का ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, ये डीस्टेबलाइजेशन यानी अदम इस्तेकाम 2016 में डॉन लीक से शुरू हुआ, उसके बाद 2017 में जीटी रोड पे मुझे क्यों निकाला की सूरत में नज़र आया, फिर 2018 में इलेक्शन हुए, शिकस्त हुई, फिर उसके बाद एपीसी हुई, एपीसी में जो टोन और टेंडर था वो उसका तय्यन कर दिया गया, फिर उसके बाद गुजरावाला का जलसा हुआ, गुजरावाला की तकरीर आपने सुनी, उसके बाद कराची में किस तरह से कायद के मज़ार की तौहीन की गई, फिर क्वेटा में जिस तरह की तकरीर की गई जिसमें कि आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया, उसके बाद बात वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद
नेशनल असेंबली में साबिका स्पीकर अयाज सादिक, उन्होंने एक ऐसी तकरीर की जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में एक बहस छिड़ गई, अवाम का गुस्सा, अवाम का जो रद्दअमल था वो इतना शदीद, फिर उसके बाद सेनेट में मौलाना अताउर रहमान, उनकी तकरीर, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये एक नैरेटिव जो कि बनाया जा रहा है इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए, वो पूरी तरह से सरगर्म अमल है। अब ऐसी सूरत हाल जिसमें के पाकिस्तान के इदारों को बराए रास्त और बड़े भोंडे तरीके से एड्रेस किया जाए और एक ऐसी कैफियत पैदा की जाए जिससे के इदारों में टकराव हो, इदारों के अंदर तकसीम हो, और जो पीडीएम का जो बयानिया है, ये जितनी भी बातें हुई हैं आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप अवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी सियासी लीडर ने न तो उसकी तरदीद की न उसकी मजम्मत की, यानी कि जाहिर ये हुआ कि ये पीडीएम का बयानिया था और है। इसमें कुछ ऐसे लीडरान भी शामिल होंगे शायद जो कि इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन बाइस मजबूरी वो भी खामोश हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी उनको इस इल्ज़ाम से नहीं हटा सकती क्योंकि उन्होंने इसकी न तरदीद की न इसकी मजम्मत की। अब ऐसी सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि जिन्होंने ये बातें की, जिन्होंने ये तकारीर की, चाहे उसमें अयाज सादिक हों, मौलाना अताउर रहमान हों, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, उन्होंने न इसकी तरदीद की है बल्कि उसको बड़े भोंडे अंदाज से उसका डिफेंस भी किया है। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्हें कोई नदामत नहीं है, वो इसकी ना माफी मांगना चाहते हैं ना वो इसकी तरदीद करना चाहते हैं। एक ऐसा वाकया जिसमें अयाज सादिक ने हमारी बहादुर एयरफोर्स आर्मी, उनको तनकीद का निशाना बनाया, उनके मोराल को नीचे करने की कोशिश की, और उस दौरान में जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो हमारे दायमी दुश्मन इंडिया, वहाँ की प्रेस क्या कह रही थी? एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
सीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे अटैक कर जोश जज्बे और हिम्मत का ये चेहरा तो आपको याद ही होगा। आपने देख लिया, लेकिन बदकिस्मती से मैं ये भी कहूँगा कि जबकि भारतीय मीडिया पर इन तकारीर को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मेरा ख्याल है दी इसी वजह से गई थी, उनके टेलीविज़न नेटवर्क्स पे पूरी तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी फतह को शिकस्त में तब्दील करने का तासुर दिया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आप मीडिया के दोस्तों से कि बजाय इससे कि अगर आप कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती होती है तो बहस हो जाती है इस पे कि एक नॉन एंटिटी सफदर, उसके बारे में बात ज़्यादा होती है। जब अयाज सादिक की बात हो तो उसमें ज़्यादा बात इससे होती है कि जी इसने भी ये कहा था, उसने भी ये कहा था, और उसने ये जो बात है उसको इस तरीके से उसको नहीं होती है। यानी कि एक जो गलत काम है, बजाय उसको हाईलाइट करने के, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराने पे। देखें, हमारा जो मीडिया है वो नेशनल मीडिया है, हमारे मुल्क का मीडिया है, हमारी आप लोगों ने हमारे, आप हमारे फ्रंट लाइन के मुजाहिद हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि ये इस इन ये जो सियासी, जिसको अंग्रेज़ी में मैं ये कहूँगा कि जो पॉलिटिकल वैगाबॉन्ड्स हैं, इसका उर्दू में तर्जुमा तो मेरा ख्याल में और कोई मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहा, जो कि सियासी वैगाबॉन्ड्स बदमाश को कहते हैं, सियासी बदमाश जो फिर रहे हैं और जो इस मुल्क के इमेज को बुरी तरह से मसख कर रहे हैं, उनकी इजाज़त हमारी हुकूमत बिल्कुल नहीं देगी। हम इनको इस किस्म की स्टेटमेंट्स पर हम इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे और इनके साथ कोई नरमी बरती नहीं जाएगी। ये वो लोग हैं जो अपने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान की सियासत को जाती मफादात का महवर बना दिया है। इमरान खान के आने के बाद ये अब चेंज होगा, अब सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात पे सियासत होगी। और आपने देख लिया कि जो पीडीएम के जितने भी लीडरशिप है, खास तौर पे नवाज शरीफ, मरियम, बिलावल, फजल रहमान, इनका जो बयानिया है वो किसी तरह से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। वो हमने फैटफ में भी देख लिया था, और उसके बाद की जो भी जो सियासी सो कॉल्ड सियासी इवेंट्स थे उस पर भी हमने देख लिया। इनको हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि ये मुल्क के खिलाफ बातें करें, मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाएं, इंटरनेशनल लेवल पे हमें बदनाम करें। इनके जितने भी ये देख लिए, आपने ये क्लिप देख लिए कि क्या बातें हो रही हैं कि फॉरेन मिनिस्टर को और सारे जो हमारे जो सिपा सलार हैं इनके बारे में कितनी गलत बातें हो रही हैं, जिसका कि हकीकत से भी कोई ताल्लुक नहीं है और इसका रिवर्स है। ये तो एक ऐसा मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था, ये वाहिद मुल्क है, शायद एक और हो, जो कि एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पे बना था और जिसकी तस्दीक अगराज व मकासद पाकिस्तान में बड़े क्लियरली वाजा हैं कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं और हमारा जो तशख्स है वो इस्लामी है, और जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो इस बयानिए को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो उसमें उनकी कोई ना मुजम्मत होती है बल्कि चीजों को मुबहम करना, डाइल्यूट करना। देखें, इस तरह की बातों से आप मुल्क की इंटरेस्ट को नहीं बढ़ा रहे बल्कि आप उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। एक किताब थी जो मेरा ख्याल है 2006 में शाया हुई थी, नॉट वॉर नॉट पीस, उसका लुब लुबा भी यही है कि अगर आपने
किसी भी मुल्क को खत्म करना है, उसको तोड़ना है, तो उससे सबसे पहले उसकी ये है कि, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि उनकी आर्मी को आप टोटली डिमोरलाइज करें, उसके अंदर निफाक फैलाएं। और ये तरकीब उन्होंने सीरिया में भी इस्तेमाल की, उन्होंने लीबिया में भी इस्तेमाल की, उन्होंने अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल की। तो हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा मुल्क एक एटमी ताकत है, हमारे मुल्क की एक डिसिप्लिन्ड आर्म फोर्सेस हैं, और उसका मुजाहरा आपने देख लिया जब हमारे मुल्क पे इंडिया ने हमला किया, तो कैसे उनको हमने, न सिर्फ उनको हमने शिकस्त दी, बल्कि उसके जो प्रूफ है वो अभिनंदन की सूरत में, जिसको के अयाज सादिक मेरा ख्याल है डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने आया कि जो हमारी अफवाज हैं और जो इंडिया की फौज है, उसमें इंडिया की फौज की कल ही खुल गई, दुनिया को पता चल गया कि ये कितनी बड़ी फौज है। लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने बिल्कुल अपनी नाअहली का और अपनी कमजोरी का एक एक्सपोज कर दिया। ये तो हमारा एक बुनियादी वो है कि पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर पावर और मुसलमान मुल्कों के मुकाबले में हम लोग कई पावर्स के आंखों में खटकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें कि आपने देख लिया कि जब कभी भी, चाहे वो इस्लामोफोबिया की बात हो, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के बारे में बातें हों, तो किस तरह से, किस मुदल्लल और मौसर तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हर पहलू, हर फोरम पे इस बात को उजागर किया। अभी भी उन्होंने सारे जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सुदूर को खतूत भी लिखे कि किस तरह से एक मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जा सकती है, जिससे कि जो हमारे मजहब है, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उस पर कोई गुस्ताखी किस तरह से हमारे पाकिस्तानियों को न सिर्फ गम गुस्सा दिलाती है, रंजीदा करती है और एक बेबसी की सूरत हाल से दोचार करती है। इसी हालात में एक ऐसी अपोजिशन से हमारा वास्ता है, और ये अपोजिशन वो है जो कि मुल्की मफाद के बजाय जाती मफादात का तहफ्फुज़ करना चाह रही है, बजाय इसके कि वो आके कानून के सामने पेश हों, बजाय इसके कि वो अपने जो असासे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दें। इन्होंने अपने आप को एक इनकलाबी अपोजिशन बना दिया है, और हमने देखा है कि इन्होंने वक्त के साथ लोगों को इस्तेमाल किया है। जब अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं, जब हुकूमत में होते हैं, और जो खास तौर पे ये जो अपोजिशन की जो मुस्लिम लीग नून है, ये तो मरहूने मिन्नत किस सिस्टम की है वो आपको सबको पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि किस तरह से इनकी सियासत शुरू हुई और कहां तक ये पहुंचे। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने के कोई सियासी जद्दोजहद नहीं की, जहां के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हमारे लीडर ने 22 साल की 23 साल की जद्दोजहद की और अपने आप को आवाम में न सिर्फ मकबूल कराया बल्कि अपना पैगाम पहुंचाया, जिसकी वजह से उन्हें वोट मिले और वो हुकूमत में आए। अब अपोजिशन इनकलाबी बन गई है, अब इनको अहमद फराज भी याद आता है, अब ये अहमद फराज के ताने मुझे भी देते हैं। तो जब अहमद फराज जिंदा था उस वक्त आपने उनके साथ क्या किया? पीपल्स पार्टी बताए, नून बताए, आज उनको अहमद फराज याद आ गया है। देखें, इस तरह की मुनाफिकत ना करें आप कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल करें लोगों को, जाले भी आपको याद आ जाता है और काम आप वो करें। कभी अहमद फराज ने नहीं कहा था कि करप्ट लोगों को, बेटे शिबली फराज, करप्ट लोगों को सपोर्ट करना और न ज्वाइन करना ऐसे लीडर को जो कि ऑनेस्ट भी हो, दलेर भी हो और इस मुल्क के मफादात का ख्याल भी रखता हो।
तो मैं अपोजिशन के खास तौर पे कुछ उन रहनुमाओं कहता हूं कि वो लोगों के नाम इस्तेमाल करना छोड़ दें। जब वो जिंदा था, जब वो था, उस वक्त तो आप उनका नाम भी नहीं लेते थे, अभी आपको याद आ गए। तो इससे जाहिर यही होता है कि आपकी मुनाफिकत पे मबनी सियासत है। आप जरूरत के वक्त अपने सियासी बयानियां बनाते हैं और आपका मुल्क की तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। काश उसका आधा परसेंट भी हमारा मुल्क वो तरक्की कर सकता आपके दौर में जितनी तरक्की आपके कारोबारों ने की, चाहे वो शायद खाकान हो, चाहे वो सनाउल्ला हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शरीफ हो, मरियम हो, हसन हुसैन, जितने भी हैं, इन्होंने हमारे अवाम के पैसे लूट कर और बाहर जायदादें बनाई हैं और अभी उधर मजे से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ लगे हुए हैं। मैंने तो, मेरी तो इनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान ग्रुप, इनके जो भी सेनर एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो मैं ये मशवरा देता हूं कि वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना लें, क्योंकि एक और भी था जो लंदन में बैठा हुआ यहां पे इंतजार फैला रहा था, तो उनकी पाकिस्तान पार्टी बन गई। ये जो इस्तीफा दिया है, खबरों में आ रहा था, मुझे उसकी उसका इल्म नहीं है, जनरल कादर ने, इसी तरह और भी जो सीनियर एलिमेंट्स हैं उनसे, बजाय इसके कि मुझसे, क्योंकि कई के साथ जो सीनियर एलिमेंट्स हैं उसके साथ ताल्लुक भी है, फोने करते हैं कि जी हम क्या करें, और हम टोटली इस बयानिए से अपनी वो करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि जी आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाएं, हाफिज हुसैन अहमद बलूचिस्तान के जो हैं, कल उन्होंने भी बयान दिया और बड़े बाशगाव लफ्जों में उन्होंने अपना बयान दिया। इसका मतलब ये है कि मौलाना के साथ भी उसके जो रफका हैं वो इसके साथ, उनके साथ इत्तेफाक नहीं करते। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो कुछ बयानियाँ लेके पीडीएम चल रही है वो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार बनाना चाहते हैं। 40 से 50 साल इन्होंने हुकूमतें की और आज गिलगित बल्तिस्तान में जाके ये कहते हैं कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान को जन्नत बना देंगे। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि जाके वो कराची को देखें, जाके वो सिंध को देखें, जहाँ पे के पीपल्स पार्टी की 40-50 साल से हुकूमत है, कि उसके साथ, सिंध के साथ इन्होंने क्या उसको दोजख बना दिया है और अभी आपसे वादे करने आए हैं कि उसको वो जन्नत बनाएंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आपको, हमारे मुल्क को इन पॉलिटिकल वैगाबॉन्ड्स की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इन्होंने कोई ऐसी बातें की जो कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ हैं, जो मुल्क के खिलाफ हैं, तो हम इनको एक ऐसी वो करेंगे, सजा देंगे, पाकिस्तान के अवाम ये सजा देंगे, क्योंकि जितना गम और गुस्सा पाया जाता है अवाम में उसकी मैंने बहुत ही कम उसकी मिसाल देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हम हुकूमत, बहसियत हुकूमत, हमारी
प्रायोरिटी यही है कि हम इस मुल्क को इस्तेकाम, खुशहाली और अपने दुश्मनों से बचाने के लिए हर वक्त तैयार हैं भी और तैयार भी रहें। ऑपोजिशन का काम हुकूमत की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना तो है, लेकिन उसमें कभी ये नहीं आता कि अपने ज़ाती मफाद के लिए सारा ये नाटक रचाया जाए जिसमें कि आप हमसे ये NRO मांगें कि हम इस वक्त कुछ हैं उनके लीडर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टांस इस मामले में बड़ा क्लियर है और हम उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा कि हम अपोजिशन के साथ हर मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं मां सिवाय करप्शन के। तो हमने तो अपना जवाब दे दिया है, अब ये तलखी कौन कर रहा है? ये हुकूमत तो नहीं कर रही। मुल्क के बारे में, मुल्क के इदारों के बारे में कौन जहर अफशानी कर रहा है? हुकूमत तो नहीं कर रही, अपोजिशन कर रही है। अब ऐसी सूरत हाल में तो आप दोस्तों का फर्ज बनता है कि आप इस बात को वो करें, फैलाएं कि मुल्क के मफादात को एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हुकूमत है, आप उसको उखाड़ने के लिए आपने पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया है, इंस्टीट्यूशंस को दाव पे लगा दिया है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर किसी ने ऐसी बात की जिसने के मुल्क के खिलाफ कोई बात की उनकी हम जुबानें खींच लेंगे। इकदामात, हम हुकूमत इकदामात यही कर रही है कि एक तो ये है कि जो भी ये तकारीर हुई है इसके बारे में जो हुकूमत तमाम कानूनी पहलुओं पे गौर कर रही है और आने वाले दिनों में आपको पता भी चल जाएगा कि हम क्या इकदामात ले रहे हैं। ये तासर दिया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उन जैसे दोस्तों को कुछ हमारे मुसलमान दोस्तों की, बेरूनी दोस्तों की आशीर्वाद भी हासिल है। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी एजेंसियों के जरिए कुछ शवाहिद हासिल किए हैं या नहीं? और दूसरा, सरदार सादिक के बयान की तरह आपके पेशरो फवाद चौधरी भी इस वक्त टॉप ट्रेंड है इंडियन मीडिया के, क्या इस हवाले से भी आप लोगों ने कोई इकदाम उठाने या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई का कुछ सोचा है, कोई गौर किया जा रहा है? देखिए, जहां तक कि आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी जितनी भी हुकूमत की इंटेलिजेंस की मशीनरी है, उन्होंने हर चीज पे नजर रखी हुई है। जो जो भी जो मुलाकातें कर रहा है, जो चीजें भी कर रहा है, बिकॉज ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ हैं उनका तो उन्होंने बिल्कुल अपने दौरान हुकूमत भी हमें ये तासर दिया गया कि इंडिया के साथ कारोबार होना चाहिए, बाकी जो इश्यूज़ हैं उनको हम बाद में देखेंगे। तो कारोबार हमें पता है कि उन्होंने अपने ज़ाती कारोबार के लिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को टेलर किया, और अब भी जब वो ये समझते हैं कि उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो अदालतों से कॉन्विक्ट भी हुए हैं, अदालतों से भागे भी हुए हैं। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि ये अब बनता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो सीनियर एलिमेंट्स हैं कि वो नवाज शरीफ से अपने आप को अलहदा करके मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाएं, और जहाँ तक कि उनकी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है वो आप इंशाल्लाह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज में से हैं और उसका सदेबाब भी किया जाएगा और उस पर नज़र भी है। दूसरी बात कि जो फवाद चौधरी के बारे में आपने की, देखें आप सब ने देखा, आप सब ने सुना कि फवाद चौधरी ने क्या कहा, उसकी फुटेजेस भी हैं, हम दिखा भी सकते हैं, लेकिन इससे यही जाहिर होता है कि जो फवाद चौधरी ने कहा उसने बड़े क्लियरली कहा कि पुलवामा के बाद जो है तो हमने घुसकर मारा और हम आइंदा भी घुसकर मारेंगे जब भी इन्होंने हम पे अटैक किया। ये बात इंडिया सुन ले कि जब कभी भी उसने कोई मुहिमजोई की, हम न सिर्फ उसका जवाब देंगे बल्कि बड़ा अच्छा और बड़ा कड़ा जवाब देंगे। उनको ये जो
हजीमत उठानी पड़ी थी अपनी एयरफोर्स की सूरत में, वो हम उसको रिपीट करेंगे, लेकिन अगर वो उन्होंने जुर्रत की तो। और बाकी जो डिस्टेबलाइज करने का उनका उनकी जो कोशिशें हैं वो तो उनकी जारी हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है कि हम इंशाल्लाह इस मामले पे पाकिस्तान के अवाम एक हैं, और वो बिल्कुल जो अपोजिशन जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है, जो कि उनकी तकारीर से ज़ाहिर होता है, जो जहर अफशानी वो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने उनको पहले भी रिजेक्ट किया था और अभी भी रिजेक्ट करेंगे। जी देखें, आर्टिकल 66 और आर्टिकल 19, इन दोनों को आप देखें, ठीक है। जहाँ तक के फ्लोर ऑफ द हाउस का ताल्लुक है, जिस तरह के नवाज शरीफ ने कहा था कि ये हैं वो ज़राए और ये हैं वो दस्तावेजात, अब इसमें कोई शक नहीं कि एक हद तक जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई तकरीर करें उसकी इम्यूनिटी होती है, लेकिन साथ ही साथ में आपने एक हल्फ भी लिया होता है। मैंने बहसियत वजीर एक हल्फ लिया है जिसमें कि मैंने ये हल्फ उठाया है कि मैं कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि मेरी नज़र से गुजरे सरकारी उमूर की अंजामदही में, तो मैं उसको अफशा नहीं करूँगा किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ऐसी अगर बात हो तो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स वो आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे शुरू हो जाएं, तो अदालतें भी इसका बड़ा एक जो पहले भी एक केस हुआ था जजेस का, उसमें बड़ी एक नैरो इंटरप्रिटेशन की है उसकी, इस आर्टिकल 66 की और 19 की। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको चूंकि इम्यूनिटी है तो आप आके तो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ तारीख को मसख करना शुरू कर दें। जो झूठ बोलना, इसकी भी तो वो देंगे जवाब देंगे आया सादिक, कि उन्होंने अपने लीडर की तरह फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ बोला, लेकिन जो इनका झूठ था उसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उसने इंडिया को एक मौका दिया एक तारीख में, उनके अवाम को उनका जो मोराल था उनकी जो अफवाज का था वो उन्होंने बुलंद कर दिया, अपने अवाम को उन्होंने एक झूठे बयानिए पे उन्होंने उठा दिया। बिकॉज यहां पे मौका किसने दिया, किसी ने भी नहीं, नथिंग लेस देन आर एक्स स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। ये तो एक बात होती है कि कानून क्या कहते हैं, एक वो है जो अदालतें क्या कहती हैं। एक चीज जो सबसे अहम है वो यही है कि पाकिस्तान के अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या रद्द अमल है इस किस्म की तकरीर के मुताबिक में। उनको इन पेचीदगियों में जाने की जरूरत है और ना वो जाते हैं। उन्हें तो ये देखा कि आपके एक साबिका स्पीकर ने आपके अपनी जो वाकया हुआ था इंडिया के साथ, जिन्होंने हमें अटैक किया था और जिसका फिर हमने जवाब दिया, उसके बारे में जो कलमात उन्होंने अदा किए हैं वो तो पाकिस्तान के अवाम, उधर सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, तो वो तो नहीं माफ करेंगे। लीगल कानूनी टीम बिल्कुल बैठी हुई है और हम इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई। सर शायद कुरैशी जी टीवी से, सर क्या पीडीएम का जो इत्तेहाद है ये मुल्क गिरा सकता है? दूसरा ये जो अभी आपने हमें वीडियो क्लिप दिखाया कि आपने हमें वीडियो क्लिप दिखाया कि जिसमें डिस्टेबलाइज किया जाता है किस तरह मुल्क को, पाकिस्तान की बात की जाए तो हिलरी क्लिंटन का बयान मेरे जहन में आया, डीप स्टेट जहाँ पर कुछ इदारे काम करते हैं, मुल्क के जितने भी सीटें घोजरा होते हैं उनको फांसियां दी जाती हैं, गोलियां मारी जाती हैं, और पाकिस्तान में 35 साल डिक्टेटरशिप के दौर में ही पाकिस्तान ज्यादा डिस्टेबलाइज हुआ है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि आपने ये क्या, पता नहीं आपका मतलब क्या था, हुकूमत पीडीएम हुकूमत गिरा सकती है। तो जो ये इनकी जो तकारीर हैं, जो इनके बयानिया है, मुझे आप ये बताएं कि इसमें अवाम के लिए क्या है और इसके लिए इसके में मुल्क के लिए क्या है। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि ये वो
मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं, जो कि बवक्ते जरूरत हबीब जालिब को भी अपना लीडर मान लेते हैं और अहमद फराज को भी मान लेते हैं। तो आप इनकी बातों पे नहीं जाएं। अगर हिलरी क्लिंटन ने कहा डीप स्टेट है तो किस मुल्क में नहीं होती, उनके अपने अमेरिका में। पेंटागन क्या है, उनके पोलैंड जॉन पॉल थे क्या थे, जो पोम्पेयो वो क्या था, वो सारे जो है तो उधर तो सारे जो वॉलंटियर्स होते हैं जिसमें कि वो अफवाज में जाते हैं, हमने तो कभी नहीं सुना कि उन्होंने ये बात की हो। तो जो आप ये भी देखें कि जो 40-50 साल जो हुकूमतें जिन्होंने की हैं, आप वो तो छोड़ दें ना, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या हमने मौका नहीं दिया, क्या हमने इदारों को तबाह नहीं किया, क्या हमने कहा था कि आप असासे बनाएं। आप ये भी पूछें कि जी किस तरह से एक सियासी लीडर, हम सियासत में आए हैं जब से तो हमारा तो इकोनॉमिकली हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया है, हमें तो वक्त ही नहीं मिलता कारोबार का, और किस तरह कारोबार एक सियासी, एक वजीर, एक वजीर आजम कर सकता है। इमरान खान कर रहा है। आप आपकी फॉरेन पॉलिसी को कंप्रोमाइज करते हैं जब आप अपनी जायदाद असासे बनाते हैं अमरीका में, बरतानिया में, मिडल ईस्ट में, फिर आप एक्सट्रेडिशन का कानून भी नहीं बनाते इन ममालिक के साथ, तो आप शय नहीं देते हैं, वैक्यूम तो कभी भी नहीं रहता। आप अपनी दौराने 40-50 साल कम अरसा नहीं है, आपने उस दौरान में क्या किया, आपने तबाह नहीं किया इकोनॉमी को, आपने तबाह नहीं किया इदारों को, आपने करप्शन का कारोबार का बाजार गर्म नहीं किया। ये जो नवाज शरीफ के दौर में क्या कुछ होता रहा, किन किन जजेस को खरीदा जाता था, और लोग जो आर्मी जो चीफ थे उनको BMW की चाबियां दी जाती थी। ये वो लोग हैं ना कि जिसकी वजह से ये आए हैं। ये तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये नवाज शरीफ उसकी खुलम खुला एक मिसाल है। आज उस पर सख्ती आई है, वो इलेक्शन हार गया है तो वो ये कहता है कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, फैसला जब फेवर में आए तो कहता है कि जी ठीक है अदालतें, जब अगेंस्ट आए तो कहते हैं कि नहीं जी अदालतें तो जो हैं तो मिली हुई हैं। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने अपने 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 दौरान हुकूमत। अभी जो है तो ये इनको ख्याल आया जब ये हुकूमत के बाहर हैं, ये ख्यालात इनको जब हुकूमत में थे क्यों नहीं आए, अब क्यों ये कह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये इक्तदार में रहना इनके लिए एक 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 नशा बन गया है। इनकी जो वो एक शाहाना अपनी जो जिंदगी है उसको मेंटेन करने के लिए, इनको गरीबों से क्या ताल्लुक है, करोड़ों की क्रूजर्स में आते हैं, करोड़ों की घड़ियां पहनी होती हैं। वो देखे ना आज जो है वो हमजा शरीफ है, वो कहता है कि जी मैं तो एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर जाऊंगा नहीं उधर नैब के सामने। ये इनके इनकी असलियत ये है। तो इसको आप कंफ्यूज ना करें। आपका मेरा पहला सवाल यही होगा कि सिविल गवर्नमेंट्स, और उनको कोई नहीं रोक सकता था कि वो इदारों को ठीक करें, वो कानून की हुक्मरानी करें, वो नैब लॉज ऐसे बनाएं जिससे कि चोर पकड़ा जाए, लोगों में इन्वेस्ट करें, गरीबों का ख्याल रखें। यह पहली दफा है कि एहसास प्रोग्राम जो कि नीचे से शुरू हुआ है, यह पहली दफा है कि गरीबों के लिए घर, जिसको कभी भी तवज्जो नहीं दी गई थी। हमने जो कहा था कि हम 5 लाख घर बनाएंगे और इतनी नौकरियां देंगे, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जब 5वां साल होगा आप फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या वो हमने किया कि नहीं किया। वो शुरू भी हो गया है। कोविड से हमने किस तरह से, कोविड में हमने किस तरह से कामयाबी से निकाला। जी जी शिवली फराज साहब, जैसे आपने अभी बताया कि गरीबों की कमी चाहिए थी, अब माशाल्लाह आपकी हुकूमत है, क्या अपोजिशन ने 3 जलसे करके हुकूमत को उलझा ही दिया और आप तामीर और तरक्की की बजाय अपोजिशन के साथ पीछे लग गए। बिल्कुल नहीं, देखें इस रूम में जिसमें कि हमारे साफी भाई बैठे हुए हैं, ये अगर इस महफिल को डिस्टर्ब करना चाहिए तो एक बंदा भी काफी है, ठीक है ना। तो इन्होंने हमें डिस्टर्ब नहीं किया, हमें तो इनके बयानिया जो ये लेके चल रहे हैं हमें उस पर अफसोस है, हम उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी तो हमारे आप जाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब रोजाना मीटिंग्स कर रहे हैं, साथ में डिसीजंस ले रहे हैं, फैसले हो रहे हैं, काबीना का इजलास हर हफ्ते हो रहा है, फैसलों पर अमल दरामद भी हो रहा है। लेकिन आपने ये भी देखना है मेरे भाइयों कि पाकिस्तान किस हालत में था, उसको जो गन छोड़ा हुआ था इन्होंने, उसको सफाई में भी तो टाइम लगता है ना। 2 साल में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक जादू की छड़ी घुमाई। ये तो एक तब्दीली जो है जिसको चेंज हम कहते हैं कि नया पाकिस्तान कहते हैं, ये तो एक प्रोसेस है, ये कोई इवेंट नहीं है कि आज हुआ और खत्म हो गया।
ये एक प्रोसेस है जो कि शुरू हो चुका है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, आप पंजाब में, वो अलग बात है कि हमारी जो ये हुकूमत है बदकिस्मती से उन्होंने बताया नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तो आपने हमारे नताइज देख लिए कि दोबारा हमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने, तो हम शायद उस तरह से उसकी प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन अब इंशाल्लाह अब हम वो भी शुरू करेंगे कि आवाम को हम बताएंगे कि क्या क्या उनके लिए हो रहा है और क्या क्या हुआ है। महंगाई का मसला बिल्कुल मैं मानता हूँ, वो एक ऐसा एरिया है जिसपे कि हम वो कर रहे हैं, लेकिन शिप्स पहुँच रही हैं, पहुँच गई हैं, वीट की भी, गंदम की भी, चीनी की भी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये एक टेम्प्ररी फेज़ है, तकलीफ है आवाम को, हमें उसके पूरी तरह से इल्म है, और हमारी ये नंबर वन प्राइम मिनिस्टर साहब की ये पहली तरजीह है कि वो इस महंगाई पे किस तरह से काबू पाए। देखें, जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है कि बैन करना, ये हमारी पॉलिसी में किसी को बैन करना नहीं है। हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि जो बयानिया लेके वो चल रहे हैं, उन्हें तो कह दिया है कि हमारा इमरान खान के साथ कोई मसला नहीं है। अवाम जो कि बाशऊर भी हैं, बातदबीर भी हैं, उनको चाहिए कि वो इनको इनसे फासला इख्तियार करें और किसी भी ऐसी तहरीक का हिस्सा ना बने जो कि ज़ाती मफादात को बचाने के लिए की जा रही है। मुल्की मफाद की बात हो बिल्कुल। दूसरी बात कि तुर्की के जो अजमेर में जो जलजला आया है उस पर जो शहादतें हुई हैं, जो नुकसान पहुंचा है, तुर्की एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हमारी हुकूमत उनको जिस तरह से भी उनकी मदद कर सकती है वो करेगी, और हम उन अपने तुर्की की बहनों भाइयों के साथ हैं जो कि इस वक्त इजमिर में एक तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें ऐसे तुर्की जैसे दोस्त कम ही मिलते हैं। बस यार, बहुत शुक्रिया।